welcome back to my channel. It's me Rachita and you're watching That Glam Girl Rachita. So guys, if you're new to my channel, do consider subscribing, like my video, share my videos and hit the bell icon so that whenever I upload the videos, you get notified and you can watch my videos. So guys, let's quickly straight dive into the video. January ka mahina chal raha hai, naya saal hai, new year hai aur bahut sare festivals aate hain. So maine socha ki kyun na usi ek festival ke liye main na pura look create karu aur aapke saath share kar du ki agar aapko ready hona hai to aap kaise ready ho sakte ho. Main aapko bataungi ki agar aap ट्रेडिशनल वे में रेडी हो रहे हो ना तो आप क्या क्या ले सकते हो, किस तरीके से रेडी हो सकते हो. रेडी होने के लिए तो आप पोंगल के लिए रेडी हो सकते हो, मकर संक्रांति के लिए हो सकते हो, बैसाखी के लिए हो सकते हो. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू ऑप्ट बैसाखी. सो उसी के लिए ना मैंने कुछ चीजें ऐसी बाय की है जो आई एम श्योर आपको पसंद आएंगी और मैं पूरा अच्छा सा लुक क्रिएट करूंगी. मेकअप लुक नहीं करूंगी, मेकअप ऐसे ही रहने वाला है, बट आउटफिट लूंगी, ज्वेलरी लूंगी, शूज शेयर करूंगी आपके साथ और बैग्स किस टाइप से ना मैं अपने आप को स्टाइल करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना तो इस वीडियो के लिए ना मैंने लिया है एक थीम. तो मैं अपना लुक डिकोड करने वाली हूँ बैसाखी का अंडर ₹1499. सो आपको आई थिंक आइडिया अच्छा लगा होगा. अगर आपको भी ऐसे किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल के लिए रेडी होना है ना, जैसे मैं रेडी हो रही हूँ बैसाखी के लिए, तो आप भी इस आइडिया को ऑप्ट कर सकते हो. बहुत ही अफोर्डेबल लुक होने वाला है ये, ओनली अंडर ₹1499. और लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. गाइस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, टोटल 6 आइटम है मेरे पास और उनमें से ना एक आइटम लिया है मैंने. ये कुर्ती है मेरे पास जो की बहुत ज्यादा प्यारी है. इस टाइप की स्लीव्स है इसकी. आप सबसे पहले ना इसका कलर देखो, ये है वीवा मेजेंटा और ये है गाइस कलर ऑफ द ईयर. तो उसी से इंस्पायर होकर ना मैंने सोचा कि मेरे पास होना चाहिए वीवा मेजेंटा. तो मुझे भी नहीं पता था कि ये कलर इतना खूबसूरत लग सकता है, बट ट्रस्ट मी ये कलर ना बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत खिलकर आ रहा है. तो मैंने सोचा कि फटाफट से आपको सबसे पहले ना मैं ये दिखाने वाली हूँ. इसके साथ मैंने मैचिंग लिया है, लेगिंग्स है, स्लीपर्स है. चलिए आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या लिया है. बट हाँ, काफी सारी शॉपिंग की है मैंने और सारी की सारी चीजें ना मैंने ली हैं गाइस अमेजोन से. तो आप भी बाय कर सकते हो अमेजोन पे और अब तो अमेजोन पे सेल भी चल रही है. सो गाइस ग्रेट रिपब्लिक डे सेल चल रही है अमेजोन पे और फायदा उठा लो इसका. 50-80% तक ऑफ मिल रहा है. मुझे भी ना काफी भारी डिस्काउंट मिला है इस पे. कुछ 50-60% का डिस्काउंट था जो मुझे मिला है इसके ऊपर. सो मुझे लगा कि भाई सेल में, मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि सेल से चीजें खरीद लिया करो मेरी तरह. और जब भी सेल आती है ना, आने वाली होती है, मैं आपको हमेशा बता देती हूँ. और अब तो सेल चल रही है क्योंकि 15 तारीख से 15 जनवरी से ही ना सेल स्टार्ट हो गई है. तो आप उसका फायदा उठा सकते हो. और जितने प्रोडक्ट है ना सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से चेक कर लेना. डिस्काउंटेड प्राइस है गाइस, बताया ना अभी 50-80% ऑफ चल रहा है. तो लेट मत करो, फटाफट से चेक कर लो. तो सबसे पहला ये देखो, ये पीस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसके बारे में, वीवा मेजेंटा कलर का है ये. काफी ज्यादा प्यारा है, बहुत बहुत खूबसूरत है. एम साइज मैंने लिया है तो फिटिंग ना बहुत अच्छा है. यहाँ पे भी ना ऐसे बटनों की डिटेलिंग हुई हुई है. बहुत ही ज्यादा प्यारा और क्लासी पीस मुझे लग रहा है. और इसको ना मैंने पेयर करने के लिए लिया है, मतलब पूरा लुक मैंने लिया है अमेजोन से. तो वो लुक डिकोड तो कर ही रहे हैं ना. तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये. सो ये लिया मैंने ऑरेंज कलर की लेगिंग्स इसके साथ मैच करने के लिए, क्योंकि ये इसमें ऑरेंज है ना, ताकि मेरा ना लुक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए. और ये लेगिंग्स लिया मैंने एम साइज में. बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फैब्रिक है, वुलन टाइप का नहीं है, बट हाँ बहुत ही प्यारा है. क्वालिटी अच्छी है, घटिया क्वालिटी नहीं है. बहुत ही सुंदर लग रहा है और टाइप से ना अदर फेस्टिवल के लिए भी ना अपने लुक डिकोड कर सकते हो. सो इस टाइप की है ये, काफी ज्यादा प्यारी मुझे लगी है. फैब्रिक इसका काफी अच्छा है और ऐसा नहीं है कि सोने पे ना इसमें बॉबलिंग्स आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे. क्योंकि इस टाइप की एक ब्लैक कलर है मेरे पास जो कि मैं ऑलमोस्ट मतलब 3 साल हो गए उसे यूज करते करते. तो मैं ये देखती हूँ कि जिस चीज की क्वालिटी अच्छी है ना, सिर्फ उसी चीज को ही दोबारा प्रेफर करूं. सो ब्लैक इसमें आपको कलर भी मिल जाते हैं, तो मैंने पहले इसमें ब्लैक लिया था, अब जाके ऑरेंज ले लिया क्योंकि मुझे इसके साथ इसको पेयर अप करना था. सो ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है. इसको बिना गाइस एक बार चेक कर लेना. इसमें आपको ढेर सारे कलर मिल जाते हैं, साइजेस मिल जाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है ना वो आप ले लेना. सो ये कैसी लगी आपको, बहुत सुंदर है ना. इसमें ना आपको हील भी मिल जाती है, बहुत ही मिनिमल हील है. ऐसा नहीं है कि आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ज्यादा हील में बिल्कुल भी नहीं चल पाती, बट ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. बहुत आसान हो जाता है इसके साथ चलना, पैर आगे दबता भी नहीं है, बहुत सुंदर. और देखो इसको आप किसी बिना फंक्शन में पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा है. और इसमें ना ऐसे स्टोन की हल्की हल्की सी डिटेलिंग हुई हुई है जो कि निकलने वाला नहीं है, काफी मजबूत है. मैंने देखा अच्छे से ना स्टिक हुआ हुआ है. हाई शूटोपिया का तो मैंने आपको बता रखा है ना, अमेजोन पे ना आपको इजी एक्सचेंज मिल जाता है, इजी रिटर्न हो जाता है, बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है, ऑफर डील चलते रहते हैं. बहुत सारे ब्रांड है गाइज अमेजोन पे, सो आपको जो ब्रांड चेक करना है ना वो ब्रांड चेक कर सकते हो. और 50-80% ऑफ तो आपको आसानी से मिल जाएगा क्योंकि
ग्रेट रिपब्लिक डे सेल जो चल रही है गाइस, फटाफट से ना चेक कर लेना कि फिटिंग भी ना बहुत ज्यादा अच्छी आती है, चलने में भी ये बहुत कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है कि आपका पैर दुखेगा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ फुटवेयर ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं बट बिल्कुल भी ना उसमें आपको आराम नहीं मिलता है, पैर दर्द हो जाता है। बट कुछ फुटवेयर ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा फैंसी होते हैं, डिटेलिंग काफी अच्छी होती है, हमें लगता है कि यार पैर दर्द होगा इसको छोड़ देते हैं, बट इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसको लेना है आपको, क्योंकि ये जो हील है ना ये आपको काफी ज्यादा सपोर्ट देती है, बिल्कुल आपके पैर दुखते नहीं है और जहां से भी ना आपका पैर ऐसा नहीं है कि दबेगा आगे, बिल्कुल नहीं दबता क्योंकि काफी ज्यादा स्पेशियस है और शेप बहुत अच्छी है इसकी, की वजह से ना ये आपके पैर में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। सो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखा रही हूँ, आपको खुशी हो रही होगी कि वाह बड़े सस्ते सस्ते में निपट रहे हैं, पूरा 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 लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी लुक कम्प्लीट नहीं हुआ है क्योंकि लड़की है तो एसेसरीज तो बनती है ना, यहाँ है मेरे पास एसेसरी और उसके अलावा भी काफी कुछ है, सो मैं आपको दिखा देती हूँ ये, क्योंकि गले में भी तो कुछ पहनेंगे ना, नेक पीस तो जरूरी है। गाइज नेक्स्ट है मेरे पास ये ज्वेलरी, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, ये है यहाँ से गोल्डन और स्टोन की इस पे डिटेलिंग हुई है, बहुत ही प्यारा प्रीटियस डिजाइन है, मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगी आपको नो वरीज, बट यहाँ देखो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, ये इतनी ज्यादा प्यारी है ना कि आप इसको किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, तो मैंने ऐसी चीज ली है जो मैं कभी भी पहन सकती हूँ। देखो पहन के कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, ये क्वालिटी भी ना बहुत अच्छी है और बिल्कुल भी महंगी नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं ना वो भी ऑनलाइन स्पेशली, तो हमें क्वालिटी का पता नहीं लगता, ऐसे लगता है कि यार थोड़ी सी ना चीप सी ना दिखे, क्योंकि है तो सस्ती, लेनी हमको सस्ती होती है बट वो क्वालिटी चीप नहीं होनी चाहिए, तो ये वही है तो काफी सस्ती बट क्वालिटी इसकी चीप नहीं है, कोई देखे आपको कहेगा कि नहीं भाई इतने रुपए की है, सो ये तो आपको लेनी बनती ही है। और इसके साथ आपको मिल जाते हैं इसके इयररिंग भी, ये पूरा सेट है, आज के लुक में ना हम ये वाले इयररिंग्स नहीं पहनेंगे क्योंकि ये थोड़े छोटे हैं मेरे लुक के लिए, तो इसी के लिए ना स्पेशली मैंने लिए थोड़े से बड़े वाले। तो नेक्स्ट है गाइस मेरे पास ये बहुत ज्यादा सुंदर है और है पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, उतने हैवी भी नहीं है कि आप इनको काफी देर तक पहन ना पाओ, क्योंकि अगर आप किसी भी ओकेजन के लिए रेडी हो रहे हो तो कम से कम 2-4-5 घंटा तो वो चीज पहनोगे ना, तो आराम से इसको उतने देर तक तो आप पहन ही सकते हो। और ये तो बिल्कुल भी नहीं कहने वाली हूँ कि आप इसको ले लो, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, क्योंकि ये काफी लंबे समय से ट्रेंड में चल रहे हैं और आपने सबके पास ये इयररिंग्स तो देखे ही होंगे, तो मैंने भी सोचा मेरे सबके पास है तो मेरे पास भी होने चाहिए, और आपने मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस के साथ ही आपके चल जाते हैं एवर ग्रीन टाइप के, क्योंकि काफी लंबे समय से ट्रेंड में और आज भी ये पूरे ट्रेंड में है, और ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे और आप ये देखो पहन के कितने ज्यादा प्यारे लगते हैं, और इसके साथ भी ना ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। सो मैं करने वाली हूँ ये वाला लुक इस टाइप से स्टाइल गाइस, तो आपको भी अगर इस टाइप करना है ना तो आप भी कर सकते हो, मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप कोई भी लुक क्रिएट कर रहे हो ना तो झुमके जो है ना आपकी इयररिंग्स वो थोड़े से लंबे लेना, उससे ना आपके लुक में 4 चांद लग जाते हैं और बहुत ही ना लुक आपका एनहेंस होकर निकलता है। क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, फिनिशिंग इसकी काफी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ना रफ हो और आपको लगे कि यार बहुत ही एवरेज सा है, एवरेज नहीं है काफी अच्छा है। ये है इसके साथ लॉक जो इसके साथ मिला था, सो यही मैं यूज करने वाली हूँ, सो लेट्स सी कि मेरा फाइनल लुक कैसा होने वाला है। फटाफट से ना 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसमें ना आप मुझे कमेंट लिखो कि अब कौन सी एक ऐसी आइटम रह गई जो मैंने आपको पहले बताई थी और अभी तक दिखाई नहीं है, क्योंकि मेरे पास लास्ट आइटम आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि उसके बिना भी ना लुक तो हमारा कम्प्लीट हो ही नहीं सकता है। से कमेंट डाउन बिलो और ये भी बताना कि आपको इनमें सबसे अच्छा पीस कौन सा लगा है, सो आई थिंक आप लोगों ने गेस कर दिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा कि अब कौन सी चीज बची है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले हिंट दे दिया था। तो अगर आपने उसमें लिखा है हैंडबैग तो आप बिल्कुल सही है, तो हैंडबैग रहता था अभी, सो वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको लिया मैंने कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये है वीवा मेजेंटा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कलर ऑफ द ईयर, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में मैं ले रही हूँ ये व्हाइट हैंडबैग जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है, काफी सामान आ जाएगा वो भी आपको रखना है ना, सीक्रेटली आप सब कुछ रख लेना मुझे मत बताना, क्योंकि टाइप का कंपार्टमेंट बना हुआ है यहाँ पे जिप पे, तो कुछ भी सामान आपको रखना है ना A to Z मैं नहीं बता रही आप क्या कहाँ रखो, आपको जहां जो रखना है वो आप रख सकते हो, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस बैग है ये, और बैग से इस टाइप का है, क्वालिटी काफी अच्छी है, व्हाइट नहीं बेज कलर का बैग है और बहुत ज्यादा सुंदर है, और इसकी बेल्ट भी ना काफी ज्यादा अच्छी है, उठाने में ये बहुत ज्यादा क्लासी और ट्रेंडी लगता है, सो ये मुझे लगा कि ये मेरे लुक को ना बहुत ज्यादा एनहेंस करेगा, मेरे लुक को कंप्लीट भी करेगा, तो इसीलिए ना मैंने इसको एड ऑन कर लिया है। और कोई भी लुक हो, ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न लुक हो, पूरा दबी होता है जब हमने किया होता है मेकअप, और मेकअप तो मैं आपके साथ ना कई बार शेयर कर ही चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना ऐसा ना लुक डिकोड करूं जिससे आपको पता लगे कि आप क्या क्या कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करो, आप इससे इंस्पायर होकर भी काफी कुछ कर सकते हो, और अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो ना तो मेरे साथ शेयर जरूर कर देना। सारे के सारे प्रोडक्ट है ना लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिए हैं, आपकी
फैसिलिटी के लिए 50-80% ऑफ चल रहा है क्योंकि ग्रेट रिपब्लिक डे सेल लाइव है गाइस अमेज़न पे 15th ऑफ जनवरी से, सो डू चेक इट नाउ। सो चलिए चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, लव यू, बाय बाय।